गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम जैसे आम प्रॉब्लम जैसे सिर दर्द, खांसी, बुखार, पेट दर्द, इनके बारे में हम जनरल वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आई एम मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम जयपुर। तो आज हम आम प्रॉब्लम जैसे पेट दर्द के बारे में बताएंगे। आज हम पेट दर्द की 2 टैबलेट के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम साइक्लोपाम टैबलेट के बारे में बताएंगे, फिर दूसरी हम एनाफोटान टैबलेट के बारे में बताएंगे। इनके कॉम्बिनेशन, इनके क्या क्या यूज है, इनके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, कौन कौन से ब्रांड से ली गई है, मार्केट में आपको कितने रुपए मिलेगी और इन और किस कंडीशन में इसको यूज करना है ये हम बताएंगे। तो इसलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम साइक्लोपाम टैबलेट के बारे में बताएंगे। साइक्लोपाम टैबलेट का कॉम्बिनेशन, इसका जो कॉम्बिनेशन है उसमें 2 मेडिसिन है, इज अ पैरासीटामोल प्लस डाइसाइक्लोमिन। जो पैरासीटामोल है वो एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक है, जो बुखार और माइल्ड फीवर में काम आती है। बुखार और हल्की दर्द में पैरासीटामोल का यूज किया जाता है, प्लस डाइसाइक्लोमिन है जो एंटी कोलिनर्जिक ग्रुप की मेडिसिन है, जो एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन है, जो पेट में दर्द के लिए स्पेसिफिक यूज की जाती है। इसलिए हम साइक्लोपाम टैबलेट को कॉम्बिनेशन के रूप में देते हैं, जो पैरासीटामोल प्लस डाइसाइक्लोमिन है। अब पेट दर्द के इसके यूज किन किन कंडीशन में पेट दर्द होता है। पेट दर्द आजकल की आम समस्या है। जैसे पेट दर्द आपको कोई पेट में कोई इन्फेक्शन हो, कोई पेट में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, कोई आपके बाइल डक्ट जो पित्ताशय है उसमें कोई स्टोन जम गया हो, पथरी हो गई हो, या पेट में कोई सूजन हो गया हो, फिर आपके आंतों में ऐठन हो रही हो, आपकी मसल्स में खिंचाव हो रहा हो, मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन हो रहा हो, आपको दस्त हो गया, कोई लूज मोशन हो गया, कोई खूनी पेचिस हो गया, इसमें आपके जो मल आता है उसके साथ खून आना, ये खूनी पेचिस, और अगर आपको कोई वॉमिटिंग, उल्टी, जी मचलाना, इन कंडीशन में पेट दर्द हो सकता है। तो इसलिए इन कंडीशन में हम साइक्लोपाम टैबलेट दे सकते हैं। इस सिरप, इंजेक्शन, कैप्सूल इनमें फॉर्म में अवेलेबल है। आज हम टैबलेट और सिरप के बारे में बताएंगे। साइक्लोपाम सिरप जो नवजात शिशु और बच्चों के लिए दी जाती है, इसमें साइमेथिकोन प्लस डाइसाइक्लोमिन है। साइमेथिकोन एंटी फोमिंग मेडिसिन है, मतलब जो हमारे पेट में जो गैस के जो बुलबुले बन रहे हैं, जो फोम बनकर उठ रहे हैं, तो उनको जो पेट में जो गैस के बुलबुले बन रहे हैं उनको बनने से रोकती है, इसलिए इसको एंटी फोमिंग मेडिसिन कहते हैं। जो हमारे पेट में गैस के जो बुलबुले बन रहे हैं, जो एसिडिटी के कारण बनते हैं, उनको रोकती है। और डाइसाइक्लोमिन जो एंटी स्पास्मोडिक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, जो हमारे जो पेट की जो मसल्स हैं, जो आंतरिक मसल्स हैं, उनके जो कॉन्ट्रेक्शन के कारण पेट दर्द होता है, ये आंतरिक मसल्स को रिलैक्स करता है, जो इसलिए डाइसाइक्लोमिन भी इसके साथ कॉम्बिनेशन दिया जाता है। ये सिरप में आता है साइमेथिकोन प्लस डाइसाइक्लोमिन, जो बच्चों और नवजात शिशु को जाती है। अब हम इसके यूजेस के बारे में बताते हैं। इसके यूज मेनली पेट दर्द में होता है, लेकिन इसके अदर यूज, जैसे किसी को पेट दर्द हो गया, पेट की मांसपेशियों में खिंचाव हो रहा हो, किसी को इंटेस्टाइनल पेट, किसी को पित्ताशय पथरी, इनमें यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका अदर जैसे पीरियड्स के समय होने वाले दर्द, दांतों में दर्द, कानों में दर्द, अगर आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा हो, यदि आपको सर्जरी के बाद कोई ऑपरेशन करवाया, कोई सर्जरी कराया, उसके बाद आपको कोई दर्द हो रहा हो, आपको पीरियड्स के समय बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, तो उनमें होने वाले दर्द में इसका यूज किया जाता है। लेकिन इसका मेन यूज पेट दर्द में किया जाता है। ये इंडिगो रेमेडीज फार्मा कंपनी की टैबलेट है, 45 रुपए की 10 टैबलेट आती है। अब हम पेट दर्द इन कारणों में हम ये डाइसाइक्लोमिन SCL प्लस पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन की साइक्लोपाम टैबलेट ले सकते हैं। अब पेट दर्द, हमारे पेट में अगर कोई खूनी पेचिस, ये बता दिया मैंने आपको, खूनी पेचिस हो रहा हो, दस्त हो रहा हो, इसके कारण अगर पेट में गैस और एसिडिटी हो रही, तो उसके कारण भी पेट दर्द होता है। तो इन सभी समस्याओं दूर करने के लिए टैबलेट का यूज करते हैं। इसके अलावा अदर टैबलेट आती है एनाफोटान टैबलेट, वो भी पेट दर्द के लिए यूज करें। इनमें से आप कोई भी मेडिसिन यूज कर सकते हैं। इसमें एनाफोटान टैबलेट की जो कॉम्बिनेशन है, पैरासीटामोल प्लस कैमाइलोफिन। पैरासीटामोल इसमें 300 mg, कैमाइलोफिन इसमें 25 mg। एक पैरासीटामोल जो मैंने आपको बताया था एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक, जो दर्द और माइल्ड फीवर में काम आती है। कैमाइलोफिन जो आपकी जो आंतरिक मसल से स्टोमक उनको रिलैक्स करता है, जो क्योंकि ये एंटी स्पास्मोडिक और एंटी कोलिनर्जिक है। ये एबोट फार्मा कंपनी टैबलेट है, 15 टैबलेट की गोल्डन स्ट्रिप आती है, 93.60 रुपए की ये टैबलेट है। ये जैसे अपेंडिक्स के कारण जो पेट दर्द होता है उसमें यूजफुल नहीं है, नहीं तो जो बाइल डक्ट के कारण जो आपकी पित्ताशय पथरी और लूज मोशन कारण होने वाले पेट दर्द में इसका यूज होता है। लेकिन ये प्रेगनेंसी में होने वाली पेट दर्द की सबसे बेस्ट मेडिसिन, आप साइक्लोपाम को प्रेगनेंसी में यूज नहीं कर सकते, लेकिन एनाफोटान टैबलेट को आप प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया आपके पेट दर्द के, मैंने आपको कारण वो साइक्लोपाम वाली टैबलेट में बता दिया, उन्हीं कारणों में होने वाली पेट दर्द में भी इसका यूज किया जाता है। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी है, जो आपको कॉन्स्टिपेशन कब्ज हो सकता है, आपको धुंधला धुंधला दिखेगा, आपकी स्किन में रशेज, आपको इरेगुलर हार्ट बीट, ये आपके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। आपकी सूखी स्किन, मुंह में सूखापन, अत्यधिक प्यास लगेगी, फेस में मुंह में और आपके चेहरे पर
चेहरे पर स्वेलिंग जैसी आएगी, ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट दिखे तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाकर संपर्क करें। आप एनाफोटान टैबलेट 75 mg पर डे से ज्यादा नहीं ले सकते, ये मैक्सिमम डोज है। और आप साइक्लोपाम टैबलेट 80 mg पर किलोग्राम पर डे के लिए ले सकते हैं। अगर आपको पेट दर्द शिकायत हो तो आप अपने आसपास कोई गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर हो तो उसको दिखाएं, क्योंकि वो पेट दर्द के बारे में ही बताते हैं। और अगर आपको पेट दर्द हो सबसे पहले आप डॉक्टर से इसका डायग्नोस करवाएं। डॉक्टर आपके लिए या तो सीटी स्कैन, MRI या फिर अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी या बेरियम एनीमा जैसे टेस्ट, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, इन टेस्टों से पता लगा सकता है कि आपके पेट में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, आपके पेट में कोई सूजन तो नहीं है, आपके पेट में कोई पथरी तो नहीं हो, आपके कहीं पित्ताशय में पथरी हो, गोल ब्लैडर में स्टोन जम गया हो, कहीं आपके स्टोमक में पेन हो, कहीं आपके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम, कहीं आपके अपेंडिक्स में प्रॉब्लम हो, कहीं आपके सीकम प्रॉब्लम, इन सभी कारणों से पेट में दर्द होता है। तो डॉक्टर इन सभी समस्याओं का पता लगाकर आपको दवाई लिखता है। लेकिन जो कॉमनली आम तौर पर जो समस्या होती है, हम एनाफोटान या साइक्लोपाम में से कोई सी टैबलेट ले सकते हैं, दोनों ही पेट दर्द की सबसे अच्छी टैबलेट है। इनमें से एनाफोटान को आप प्रेगनेंसी में भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक अदर मेडिसिन आती है मेफ्टाल स्पास, इसके अंदर मेफेनामिक एसिड प्लस डाइसाइक्लोमिन, डाइसाइक्लोमिन आर्टोक्लोराइड, वो तो एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन है जो कि पेट दर्द की समस्या को दूर करने के लिए यूज किया जाती है। इसके अलावा मेफेनामिक एसिड होता है जो NSAID नॉन स्टूडेंट इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है, जो आपके कोई सूजन माइल्ड सूजन उसको कम करता है। इसलिए इन दोनों कॉम्बिनेशन में ये मेफेनामिक स्पास टैबलेट दी जाती है। 3.60 रुपए एक टैबलेट आती है। आप इसको दिन में 2 टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद, यही है कि एनाफोटान और साइक्लोपाम में भी आप सुबह शाम एक टैबलेट खाना खाने के बाद ले सकते हैं। साइक्लोपाम टैबलेट है वो 40 से 50 मिनट के अंदर अपना असर दिखाना शुरू करती है, 6 से 8 घंटे तक इसका असर रहता है, और इसलिए सबसे अच्छी बेहतरीन मेडिसिन मानी जाती है पेट दर्द के लिए। इसके अलावा इसके अदर जैसे IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका अदर मेडिसिन जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी इसका यूज किया जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मैंने आपको पेट दर्द के बारे में सब कुछ बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।